जय हिंद दोस्तों, आज का यह वीडियो संपूर्ण टोक्यो ओलंपिक को मात्र 5 मिनट के अंदर कवर करा दूंगा। यानी कि ओलंपिक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो पर कवर करेंगे। जो व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। 5 मिनट का यह वीडियो है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? आप सबको पता होगा कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, बच्चे को भी पता रहता है कि अभी गोल्ड मेडल किसने जीता है। दोस्तों अगर यह वीडियो देख रहे हो तो साथ में अपना कॉपी और पेन जरूर रखें ताकि इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स कर सको। चलिए देखते हैं, तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये आएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो आपको पता ही होगा कि यह गोल्ड मेडल किसमें जीता है, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में यह गोल्ड मेडल जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत में ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है 2021 में? तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, 48 यानी कि 48 स्थान पर बन रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 48वें स्थान पर है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन है, टोक्यो यानी कि जापान ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों भारतीय ध्वजवाहक थे। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में कौन भारतीय ध्वजवाहक थे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों आ जाएगा, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन है, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अब उसके बाद बोला गया कि समापन, तो टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, बजरंग पुनिया। दोस्तों आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखिए और इसे नोट्स करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? चलिए आप लोग बताइए कि कौन किसने जीता है 2021 में, भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी और पेन जरूर साथ में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता है? भारत के लिए दूसरा मेडल कौन जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों यह काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां पदक रजत किसने जीता है? 5वां पदक किसने जीता है, रजत पदक किसने जीता है बोला गया है। तो चलिए देखते हैं कि रजत पदक किसने जीता गया है, रवि दाहिया ने जीता गया है, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये सभी को पता होगा कि कितने पदक जीते हैं, तो ऑप्शन ए को लॉक कर दी जाए, 1 पदक जीते हैं। स्वर्ण कितने जीते हैं? 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छे से गणित और रीजनिंग कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं? भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो कितने कांस्य पदक जीते हैं चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, 4 कांस्य पदक जीत चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? तो भारत ने 2021 में 2 रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत की पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो भारत के महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक सातवां किसने जीता है? बोला गया है कि भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक वो भी सातवां बजरंग पुनिया ने जीता है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती का कांस्य पदक वो भी सातवां स्थान पर जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम देश पर अमेरिका रहा है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता था? व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन बी में पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना दोस्तों, कॉपी में नोट करके रख लो। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकरण क्या है? तो शुभंकरण क्या है, टोक्यो जापान 2021 का शुभंकरण मिराई तोवा है। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या आएगा, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक लोगों में सिर्फ 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, याद रखना 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। दोस्तों यह छल्ला महाद्वीपों से लिया गया है, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों नीला काला लाल पीला हरा रंग का छल्ले होते हैं। ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि नीला यूरोप से, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया से है। तो कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन सी में तो हम लोग देख लिए हैं कि सिर्फ 5 छल्ले होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए धन्यवाद।